हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 20, जिसमें हम पलवल जिले के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने पलवल जिले के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। आप बस इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लेना, पलवल जिले से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एचटेट, फायर ऑपरेटर, हरियाणा पुलिस एसआई, पटवारी, ग्राम सचिव, ठीक है। और अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी एजुकेशन गुरुजी नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और हमसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है पलवल की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2008 को, और कौन सा जिला बना था ये? 21वां। देखो, जब हरियाणा एक अलग राज्य बना तब हरियाणा में कितने जिले थे? 7, ठीक है। और हरियाणा कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और फिर 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को गुड़गांव से अलग कर दिया, और कौन सा ज़िला बना दिया? 12वां। उस समय जो पलवल का एरिया था वो भी किस में आ गया? फरीदाबाद में। और फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 2008 को पलवल को फरीदाबाद से अलग कर दिया और 21वां ज़िला बना दिया। तो अगर एग्ज़ाम में पूछे पलवल को किससे अलग करके बनाया गया था, तो आंसर आएगा फरीदाबाद से। अगर पूछे फरीदाबाद को किससे अलग करके बनाया गया था, तो आंसर आएगा गुड़गांव। तो पलवल कौन सा ज़िला बना? 21वां। किससे अलग हो गए? फरीदाबाद से। पॉइंट नंबर 2 है उपनाम। देखो, जो पलवल है ना, इसका नाम किसके नाम पे पड़ा था? राक्षस पलवासुर। और इस राक्षस पलवासुर का वध किसने किया था? ये किया था भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने, जिसको हम दाऊजी भी कहते हैं। इस राक्षस को मारने की खुशी में पलवल में ना एक मेला लगाया जाता है, जिसका क्या नाम है? बलदेव छठ का मेला। पॉइंट नंबर 3 है मंडल। तो पलवल किस मंडल में आता है? फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा का सबसे छोटा मंडल है। और हरियाणा में कुल मंडल है 6, और जब हरियाणा बना था तब थे 4। दो नए कौन से बने? करनाल और फरीदाबाद। पॉइंट नंबर 4 है हेरिटेज स्टेशन। जो हमारे सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने पलवल को हेरिटेज स्टेशन बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पलवल रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाया जाए। अब ये क्यों बनाया जाना चाहिए? क्योंकि पलवल में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई थी, और ये कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को। पॉइंट नंबर 5 है आहार वन। ये कहाँ पे है? पलवल में। और इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है भगवत गीता में। पॉइंट नंबर 6 है उपमंडल। तो पलवल में कौन कौन से उपमंडल आते हैं? पलवल, होडल और हतीन। और बात करें तहसील की, तो तहसील भी कौन सी आती है? पलवल, होडल और हतीन। पॉइंट नंबर 7 है डबचिक झील। देखो, इसका निर्माण हुआ था 1975 में, और इसकी नींव किसने रखी थी? हमारे राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती ने। और ये कहाँ पे है? पलवल के होडल में। पॉइंट नंबर 8 है प्रमुख स्थल, मेले, मंदिर व पर्यटन। तो पांडव वन, पांडव गुफा और सती का स्थान, ये तीनों कहाँ पे हैं? पलवल में। दाऊजी का मंदिर, ये कहाँ पे है? बंसारी गांव में, जो कि पड़ता है पलवल में। और दाऊजी कौन थे? ये थे श्री कृष्ण के भाई। कुषाण कालीन यज्ञ की मूर्तियाँ, ये कहाँ से मिली हैं? पलवल से। 12 खंबा छतरी व किशोर महल, ये कहाँ पे हैं? होडल में। और ये बनना स्टार्ट हुआ था 1754 में, और 1764 में बन के तैयार हो गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था काशीराम ने। और किसके नाम पे कराया था? अपनी पुत्री किशोरी के नाम पे। और महारानी किशोरी की शादी किससे हुई थी? ये हुई थी भरतपुर के राजा सूरजमल से। खूंटा मंदिर, ये कहाँ पे है? पलवल में। और ये किसका मंदिर है? शिव जी का। जागेश्वर मंदिर, महावीर जैन मंदिर, ये दोनों कहाँ पे हैं? पलवल में। पंचवटी मंदिर, ये किसका मंदिर है? हनुमान का। और यहीं पर पांडव अज्ञातवास में रुके थे। और पहली बार गांधी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? ये भी हुई थी पलवल से। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को। और उस समय गांधी जी जा रहे थे जलियांवाला बाग में, किसका विरोध करने? रोलेट एक्ट का। पॉइंट नंबर 9 है नेशनल हाईवे। तो पलवल में कौन सा हाईवे है? NH 44। देखो, जो नेशनल हाईवे 44 है, इसका पहले नाम होता था
NH2। अब क्या कर दिया, जो NH1 है नेशनल हाईवे और NH2, इन दोनों का नाम क्या कर दिया अब, NH44। जो नेशनल हाईवे 1 है ये पहले जाता था अमृतसर से दिल्ली, और जो नेशनल हाईवे 2 है ये जाता था दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, इन दोनों हाईवे को मिलाकर बना दिया NH44। अब अगर एग्ज़ाम में पूछे नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आंसर क्या आएगा, अमृतसर से कोलकाता। और इस हाईवे को GT रोड भी कहते हैं, और इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। और बात करें नेशनल हाईवे 44 की, ये हरियाणा में कहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और फिर चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से पलवल, और होडल के रास्ते ये चला जाता है कोलकाता। यानी ये नेशनल हाईवे हरियाणा के पूर्वी दिशा से गुजरता है। पॉइंट नंबर 10 से प्रमुख नदी, तो हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना, और ये भी हरियाणा के कौन सी दिशा में बहती है, पूर्व में। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस की PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करें, अगली वीडियो में हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।